हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ डिलीशियस छोले की रेसिपी। बिना ग्रेवी बनाए, बिना ऑनियन और गार्लिक के जो छोले बने हैं ना, एकदम इतने टेस्टी डिलीशियस कि आप हर बार इस रेसिपी से ये बनाएंगे। तो देखते हैं ये छोले किस तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप छोले लिए हैं। इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। लगभग 7 से 8 घंटे तो हमें छोलों को अच्छे से सोक कर लेना है, जिससे जो छोले हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे, जल्दी से गल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कुकर लिया है। सोक किए हुए छोले हम इसके अंदर डाल देंगे और अब मैं डालूँगी इसमें कुछ खड़े मसाले। तो जब भी आप छोले बनाएं तो बॉईल करते समय आप इसमें खड़े मसाले डालेंगे तो उनका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 1 दालचीनी स्टिक डाल दी है, 3 से 4 मैंने इसमें लौंग डाल दी हैं, 3 से 4 हम इसमें ये काली मिर्च डाल देंगे, 2 हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे और 1 मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल दी है, 2 हम इसमें ये हरी इलायची डाल रहे हैं और अब मैं डालूंगी इसमें चाय पत्ती का पानी। तो हमने पानी में चाय की पत्ती को डालकर उसे बॉईल कर लिया है, वो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1 पोटली में खड़े मसाले और थोड़ी सी चाय पत्ती को बांध कर इसमें बॉईल करते समय डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, इससे जो फ्लेवर है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा और जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें कोई अलग से ग्रेवी तो बनानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे ये 4 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने हाफ पीस में कट किया है। तो टमाटर को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अगर आप इसमें ऑनियन डालना चाहते हैं तो वो भी आप कट कर इसी तरीके से बॉईल करते समय डाल दीजिएगा। अब मैं कुकर की लीड लगाऊंगी और लगभग 4 से 5 विसल हम इसमें आने देंगे, जिससे जो छोले हैं एक बार में ही परफेक्ट कुक हो जाएंगे। 4 विसल आ गई थी, जो इसका प्रेशर है वो निकल गया है और जो छोले हैं अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब जो टमाटर की स्किन है उसे हम इस तरीके से निकाल देंगे, आसानी से निकल जाती है और इस तरीके से सारी स्किन हमें निकाल लेनी है। अब हम स्पून से इसको हल्का सा मसी कर लेंगे, क्योंकि जो छोले हैं वो अलग दिखाई दे रहे हैं और जो पानी है वो अलग है। इससे क्या होगा, जो छोले हैं बिल्कुल इसमें घुल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे स्पून से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और देखिए इस तरीके से हम छोलों को अच्छे से मसी कर लेंगे। और जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले हैं बॉईल करते समय, इनका जो फ्लेवर है छोलों में चला गया है। अब ये खड़े मसाले हम निकाल लेंगे, इससे हमारे जो छोले हैं काफ़ी टेस्टी बनेंगे, जो फ्लेवर है वो इनमें अच्छे से आ गया है। तो जितना आपको निकालने हैं, मैं तो सारे ही निकाल रही हूँ, इसमें से काली मिर्च तक मैं इसमें से निकाल लूँगी। अब हम इसमें नॉर्मल जो घर के बेसिक मसाले होते हैं ना, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें ये चना मसाला डाल दिया है और ये मार्केट वाला है। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसकी होममेड रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। 1 चम्मच भर कर मैं इसमें डाल दूंगी ये अनारदाना मसाला। 1/2 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इससे जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच मैं इसमें ये नमक डाल रही हूँ। नमक आपने छोलों को बॉईल करते हुए भी डाला था, इसलिए नमक देख कर डालें। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 10 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, जिससे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर छोलों में चला जाएगा। बिना ग्रेवी के हम ये छोले बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। 1/2 चम्मच मैं इसमें ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप इसे कह सकते हैं कि मैंने ये बन पॉट रेसिपी में बनाया है और बहुत ही टेस्टी हमारे ये छोले बनकर तैयार हुए हैं। लगभग 10 मिनट हो चुकी हैं, जो छोले हैं अच्छे से पक चुके हैं। कलर देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल दूंगी
और लगभग 2 चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आप केवल घी का यूज कर सकते हैं या केवल आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। इसको हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और 2 पिंच मैं इसमें हींग डालूंगी। 1/2 चम्मच ये हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ली है और 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बीच में से सिलेक्ट कर लिया है। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे जो हमारे छोले हैं उनका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे और जो तड़का है वो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने छोले बनाए हैं उस छोले में हम ये तड़का डाल देंगे और इसे हम जेंटली हाथों से मिक्स करेंगे तो बढ़िया से हमारे इंस्टेंट छोले बनकर तैयार हैं जो काफ़ी टेस्टी बने हैं। लुकिंग देखिए, और जो हमने मसाला डालने के बाद इनको लगभग 8 से 10 मिनट तक बॉईल किया था उसकी वजह से जो इसका कलर है, जो फ्लेवर है ना, वो बहुत बढ़िया आया है। थोड़ा सा हम इसमें ये धनिया पत्ती डाल देंगे और बढ़िया से हमारे छोले बनकर तैयार हैं। इसे आप पूरी, चावल, भटूरे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ तो देखिए बढ़िया छोले हमारे बनकर तैयार हैं। तो इस रेसिपी से आप ये छोले बनाइए, इंजॉय कीजिए और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।